योगी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। वहीं अधिकारी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर खुलेआम पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों के कारनामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में जिले के विकास भवन स्थल जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू का कार्यभार देख रहे हैं। पीआरडी जवान खुद ही 10,000 के रिश्वत लेने को कबूल रहे हैं। कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। युवा कल्याण विभाग में तैनात कर्मी गोरख प्रसाद ने युवक को ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत ली थी। युवक को लंबे समय से दौड़ाया गया। पीड़ित युवक जब युवा कल्याण विभाग कार्यालय पहुंचा और दिए गए पैसों की मांग की तो कार्यालय में तैनात कर्मी गोरख प्रसाद ने कहा कि 10,000 देकर खरीद नहीं लिए हो, जिसका वीडियो पीड़ित ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार ने संज्ञान में लेते हुए कहा कि विषय गंभीर है, कार्यालय खुलते ही तैनात कर्मी को हटाया जाएगा, जांच टीम गठित कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्टिफिकेट पहले देंगे लाल है ना, सर्टिफिकेट बाकी 1,000 रुपया, 1,000 में सर्टिफिकेट बना ला। अब चाहे जैसे आप लाल का ट्रेनिंग ना करवाओगे तब 10,000 रुपया लगा लाल। आपके लगे हम 12,000 रुपया दे लाली है। अब अभी मुझे भी तत्काल ही प्राप्त हुआ है, मैंने देखा है ये गोरख प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है जो स्वीकार कर रहा है कि किसी काम के बदले उसने 10,000 रुपये प्राप्त किए थे। मैंने पता किया DOPPD से तो वो PRD का जवान है पर लंबे समय से जनपद के कार्यालय में संबद्ध है। चूंकि लिपिक नहीं रहते कार्यालय में तो शासकीय कार्यों के संपादन के लिए इस तरह के संबद्धीकरण किए जाते हैं, तो कल कार्यालय खुलते ही सबसे पहले तो इनको कार्यालय से हटाया जाएगा, जांच गठित की जाएगी और जांचोपरांत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण बहुत संवेदनशील है, इस पर कठोरता से कार्यवाही होगी। यूं तो संत कबीर नगर जिले से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मी है कि सबक लेने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से इन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह रुपए लेने के काबुलनामे का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। रफ्तार मीडिया के लिए संत कबीर नगर से संवाददाता मिथिलेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट।